इस ड्रामेटिक माहौल की कुछ अनकही और अनोखी झलकियां। ये है हमारा कॉलेज। ऐसा लगता है कल की ही बात हो जब हमने एडमिशन हॉल में अपना कदम रखा था। Thank you.
आते क्यों नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे को सर अभी नोटिफिकेशन नहीं पड़ता जी ये पहले साल सारे स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला हुआ सर लोग से बात नहीं किया क्या करना है क्या नहीं करना है जी बात तो किए हैं तो सर बोले कि एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए एप्लीकेशन लिख के जमा करने बोले तो लिख दो फिर हमसे क्या पूछ रहे हो ठीक है सर ठीक है और किसी को कोई प्रॉब्लम है जी नहीं है सर सर अभी अपना नाम क्या है अभी अपना नंबर मत दे दीजिए बादक बानसीब बेअदब बेनसीब
और इसी तरीके से अगर कभी कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो जो आपके सीनियर्स हैं, इमीडिएट सीनियर्स हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए और छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती रहती हैं आपस में, खुद से भी उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारे चीज़ें आपकी लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट है और एक हिस्सा है। ये ठोकरें ही तुझको संभलना सिखा देगी, कदम कदम पे न सहारो और न देना। हम कि आप लोग अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़िए, बेहतर से। क्या जी, क्या हाल चाल है? दुनिया में ऐसे नहीं मिलते आप लोग, ये बस होता है। जूनियर लोग क्या डिसिप्लिन कॉलेज में फैला रखा है, कला माइंड देखे, जूनियर लोग को देखे बिना अप्रोच इधर उधर घूमता रहता है, लोग को समझाते नहीं है। वो लोग को बोलिए अप्रोच मेंटेन करने के लिए, जब तक प्रेशर नहीं हो जाए पूरा यूनिफॉर्म वगैरह मेंटेन करना है। यहाँ से बिना अप्रोच इधर उधर घूमता रहता, पता नहीं चलता पेशेंट कौन है, डॉक्टर कौन है। आप बोलिए, अच्छे से समझी करिए उन लोगों को, और नहीं होता तो बताइए हमको। बच्चा लोग को बोलिए सलाम वलाम करने के लिए, कोई सलाम वलाम नहीं करता है। जूता देखिए, एक स्पोर्ट्स शू लेकर आता है, एक फॉर्मल सूट लेकर आता है। उन लोग को समझाइए अच्छे से, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं? और आप लोग ठीक ठाक है ना? बस बस चल रहा आप लोग का? सलाम करना है, रिस्पेक्ट देना है, तो करनी चाहिए ना। हाँ, करनी चाहिए।
मुर्गा तुम लोगों का मुर्गी नहीं बने क्या बना रहा है आपको उसको देखो ऐसा कैसे खड़ा हुआ है कहाँ से आया वो क्या कर रहा है पढ़ने आया यहाँ का जरा कोई हाँ जी गोपालगंज से आया अपन तैयार में किया है बात ठीक है। और बर्फी
गया हो गया, बस समझाने दो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू जाए ना। हाँ देख रहे हो ना विनोद कितने कंजूस हैं, बिरयानी के नाम पे समोसा चिपका के चले गए। बताओ इतनी देर हुआ प्रोग्राम, हम सिर्फ समोसे खाएंगे जी, बिरयानी तो मिलना चाहिए। अरे चलो माना समोसे ही खिलाए तो क्या सूखा सूखा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक तो होना चाहिए ना जी। आप लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को इतने अच्छे से सुनाया है। बाई दिस एक्ट यू मे हैव अंडरस्टूड हमारी एक साल की अब तक की जर्नी कैसी रही है। इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग गुड टाइम। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मैजिक पावर दैट मेक्स यू वर्चुअली अनस्टॉपेबल। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। थैंक यू सो मच।